सबसे पहले आती है, ये एक नॉर्मल सेल है और ये रेस्टिंग फेज में है, अगर है तो उसको कहते हैं जीवन फेज। ये जीवन फेज में है और ये कम से कम 10 घंटे तक ऐसी रहती है। ये सेल भी डिवाइड होकर ही बनी है, डिवीजन से ही बनी है, और इसमें 10 घंटे तक नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहेंगी। उसके बाद सेकेंड फेज आएगी, जिसमें जिसे कहते हैं सिंथेसिस फेज, एस फेज। ये जीवन फेज 10 घंटे तक नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं। उसके बाद में सिंथेसिस फेज आएगी, जिसमें कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये डबल होने लग जाता है, मतलब कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इसमें बनने लग जाता है, और इसकी जो अमाउंट है डीएनए की, रिप्लिकेशन की वजह से ये डबल हो जाती है एस फेज में या सिंथेसिस फेज में। अब क्योंकि डीएनए बन रहा है इसमें, तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है इस फेज में, और ये लगभग 9 घंटे तक चलती है। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो 9 घंटे तक लगभग चलता है एस फेज। उसके बाद आ जाती है G2 फेज, उसमें ये सारा प्रोसेस धीरे धीरे रुक जाता है और ये यहाँ से फिर जाती है एम फेज में। सब कुछ इसी सेल में हो रहा है, मतलब जीवन फेज जब तक इसमें सारी नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, लाइसोसोम सफाई का काम कर रहे हैं, गोल्जी कैप, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये पैकेजिंग का काम कर रहा है, ये ER है ये प्रोटीन सिंथेसिस और बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज कर रही है ना, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही होती हैं जीवन फेज। देन जब इसका डुप्लीकेशन होता है डीएनए का, तो वो होती है एस फेज, सिंथेसिस फेज, देन G2 फेज, जिसमें प्रिपेयर हो रही होती है सेल, सेल डिवीजन के लिए, या फिर कह सकते हैं माइटोसिस के लिए। अब सेल साइकिल और माइटोसिस में क्या फ़र्क है? माइटोसिस सेल साइकिल की एक बहुत छोटी सी स्टेज है, जो लगभग 60 to 80 मिनट्स की होती है, लगभग 1 घंटा। तो इसमें G2 और S और G2 और M फेज के बीच में चेक पॉइंट होता है, और यहाँ पर G1 और S फेज, G1 एंड S फेज के बीच में एक चेक पॉइंट होता है, कि ये जब सेल डिवाइड होकर आई है, तो इसके इसमें क्रोमोसोम्स में या क्रोमेटिन फाइबर में कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई है, तभी सेल आगे जाएगी, थैंक यू वेरी मच फॉर अदरवाइज वॉचिंग। सेल डिवाइड